गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में काम करने वाले सुरेश 2 साल से किफायती फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बजट का मकान नहीं मिल पाया है। ये स्थिति तब है जब सरकार ने साल 2022 तक हर भारतीय को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। रियल इस्टेट से जुड़ी रिसर्च फर्म एनारॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 के दौरान अफोर्डेबल हाउस की सप्लाई में कमी आई है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के थमने के बाद भारतीय रियल इस्टेट मार्केट फिर से पटरी पर लौट रहा है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में किफायती मकान यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के बाद से नए किफायती मकानों की सप्लाई में गिरावट आई है। सरकार ने हर भारतीय को घर मुहैया कराने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी। इसके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों पर फोकस किया गया। किफायती मकानों को बढ़ावा देने के लिए पिछले 7 साल में कई कदम उठाए गए। इसमें मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लिए होम लोन पर सब्सिडी शामिल है। इसके बावजूद इस तरह के मकानों की सप्लाई पर असर पड़ना चिंता की बात है। मेट्रो सिटीज में 45 लाख रुपए तक और 60 वर्ग मीटर तक के साइज के मकानों को अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने इसमें कुछ बदलाव किया है। उन्होंने 40 लाख से कम के मकानों को अफोर्डेबल की कैटेगरी में रखा है। इसी तरह 40 से 80 लाख रुपए के मकान को मिड सेगमेंट, जबकि 80 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक के मकानों को प्रीमियम सेगमेंट में रखा गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक के मुताबिक 2021 में देश के 7 शहरों में लॉन्च हुए 2,71,000 घरों में से 63% से ज्यादा मकान मिड और प्रीमियम सेगमेंट के हैं। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 26% रह गई, जबकि 2019 में ये 40% थी। साल 2022 के जनवरी मार्च के दौरान भी मिड सेगमेंट छाया रहा। नए मकानों की आपूर्ति में इस श्रेणी की हिस्सेदारी 35% रही। प्रीमियम और अफोर्डेबल सेगमेंट की हिस्सेदारी 25-25% रही। सालाना आंकड़ों पर नजर डालें तो कोविड से पहले 2019 में 2.37 लाख मकान लॉन्च किए गए। इनमें किफायती मकानों का शेयर 40% था, जबकि मिड रेंज की हिस्सेदारी 33% थी। किफायती मकानों की हिस्सेदारी गिरकर 2020 में 30% और 2021 में 26% रह गई। किफायती मकानों की आपूर्ति के साथ बिक्री में भी कमी देखने को मिली है। प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के दौरान शीर्ष 8 शहरों में कुल मकानों की बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग का योगदान घटकर 43% रह गया है, जो 2020 में 48% था। बिक्री के लिहाज से 75 लाख से ऊपर के मकानों की हिस्सेदारी 25% से बढ़कर 31% हो गई। सब्सिडी के बावजूद अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई में गिरावट की क्या वजह है? एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी बताते हैं कि महामारी के पहले और बाद में नए किफायती मकानों की ओवरऑल सप्लाई शेयर में गिरावट आई है। डेवलपर्स ने रॉ मटेरियल के ऊंचे दाम समेत कई वजहों से सप्लाई घटा दी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अफोर्डेबल होम की डिमांड अब भी हाई है, लेकिन विभिन्न शहरों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही जनवरी मार्च के अंत तक टॉप 7 शहरों में नहीं बिकने वाले मकानों की संख्या 6,28,000 से ज्यादा है। इसमें अफोर्डेबल रेंज की हिस्सेदारी 30% है। प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी के घर खरीदारों की तुलना में अफोर्डेबल सेगमेंट के खरीदार महामारी से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके चलते किफायती मकान की इच्छा रखने वाले कई लोगों ने फिलहाल घर खरीदने का फैसला टाल दिया है। रियल इस्टेट रेटिंग एंड रिसर्च फर्म लाइसिस फोरम के MD पंकज कपूर बताते हैं कि कोविड के दौरान किफायती मकानों की सप्लाई में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अब चीजें पटरी पर लौट रही हैं। रॉ मटेरियल के दाम और जगह की उपलब्धता भी नए मकानों के लॉन्च पर असर डाल सकती है। इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनीनाइन की सलाह यह है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को योगदान देने वाले सभी सेक्टरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। महामारी की लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ने की खबरें आईं, वैसे वैसे बाजार भी जोरदार तरीके से बाउंस बैक करता दिखा। वापसी का ये जोश रियल इस्टेट सेक्टर में भी दिखा। 2022 के जनवरी मार्च में रियल इस्टेट बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। मकानों के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट अभी भी कम है, यानी घर खरीदने का ये सही समय है।